ज़ाइलम के चार कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे। ज़ाइलम के पहले कंपोनेंट का नाम हमने बताया ट्रैकिड, और ट्रैकिड के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं ज़ाइलम के दूसरे कंपोनेंट का नाम है वेसल्स। तो सबसे पहले ये टर्म है जो मेडिकल में टर्म्स क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ पे बच्चे गलती किए थे। क्या गलती हुई थी? वेसल्स का दूसरा नाम ट्रैकिया है, जो ट्रैकिड से बहुत ही मिलता जुलता है। तो इंस्टेड ऑफ वेसल्स कई जगह पे ट्रैकिया लिखा रहता है, और उसके फंक्शन को ट्रैकिड के फंक्शन से कोरिलेट करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब देता है द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, और उसका जो ऑप्शन होता है वो ट्रैकिड वाला होता है और एक नॉन ऑफ दीज होता है। तो सबसे पहले इन दो वर्ड्स को हम लोग क्लियर कर लें। वर्ड है हमारा ट्रैकिड और दूसरा वर्ड है वेसल्स। वेसल्स के लिए एक और नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग उस नाम का उसका नाम है ट्रैकिया। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग डबल टेक कर रहे हैं। मीनिंग बाय ट्रैकिया आर नथिंग बट द सेकेंड नेम ऑफ वेसल्स, और ये नाम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैकिड्स को कंपेयर कर रहे हैं वेसल से। जब हम लोग ट्रैकिड को डायग्राम बनाए थे तो बताए थे विथ टैपरिंग एंड, इस तरह से ये था एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जब हम लोग वेसल्स बना रहे हैं तो एक डिफरेंस दिखा रहे हैं। क्या डिफरेंस दिखा रहे हैं? वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये कैसा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखा रहा है? दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड। एक वेसल्स का ट्यूब यहां समाप्त हो रहा है, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे दूसरा ट्यूब है। ये वेसल्स का एंड हुआ, ये दूसरा ट्यूब, दूसरे वेसल्स के एंड होने के बाद ये तीसरा ट्यूब, एंड सो ऑन। तो जैसे ही हम लोग वेसल्स की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक प्लेस्ड है। और जब ये प्लेसमेंट हो गया, अब इस प्लेसमेंट के बाद इनके बीच का पार्टीशन वॉल डिजॉल्व हो रहा है। ये देखो, हम लोग पार्टीशन वॉल को डिजॉल्व कर दिए। जो ही पार्टीशन वॉल डिजॉल्व करते हैं, ये एक लंबे से पाइप के समान स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब तुम लोग सोचो, घर में पानी पटाने वाला पाइप एक छोटा सा था, उसमें एक नए पाइप को जोड़े, अब ये और लंबा हो गया, फिर एक नए पाइप को जोड़ दिए, अब ये और लंबा हो गया। बिल्कुल वेसल्स वैसा ही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब के ऊपर दूसरा ट्यूब पहले प्लेस्ड हुआ है, फाइनली इनके बीच के पार्टीशन वॉल को सेल डिजॉल्व कर दिया और एक लंबा पाइप के नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेसल्स। ये कैसे बना, ये समझ में आ गया? नेचर में सबसे पहले कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया, एक के ऊपर एक प्लेस्ड हुआ, और फाइनली पार्टीशन वॉल इनका डिसॉल्व कर गया और बन गया वेसल्स। अब जब वेसल्स को हम लोग देख रहे थे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे, ये कहां मिला? तो हम लोग जब पूरे सीक्वेंस को देख रहे थे, टेडोफाइटा, टेडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म में, तो देखे वेसल्स एंजियोस्पर्म के प्लांट में अपीयर हुआ। बल्कि यूं कहें कि इवोल्यूशन के सीक्वेंस में हायर जिम्नोस्पर्म में ये आ चुका था, टेडोफाइटा में ये नहीं दिख रहा था। टेडोफाइटा तक के प्लांट्स में सिर्फ ट्रैकेट्स दिख रहा था जो वाटर को कैरी कर रहा था। तो इसका मतलब वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड है और वेसल्स है, लेकिन वेसल्स एडवांस्ड कंडक्टिव एलिमेंट कहला रहा है। क्यों एडवांस कह रहे हैं इसको हम लोग? क्योंकि इवोल्यूशन के सीक्वेंस में जो हायर या एडवांस प्लांट आया वो एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म के प्लांट में ये मिल रहा था, इसीलिए हम लोग इसका नाम दिए एडवांस्ड कंडक्टिव एलिमेंट ऑफ जाइलम। ये जाइलम का एलिमेंट है जो पानी को कैरी कर रहा है। तो ये पहले कैरेक्टर को, पहले पॉइंट को हम लोग जाने। क्यों कहे एडवांस, ये समझ में आ गया? क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, लेकिन जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट्स में ये पहली बार अपीयर होना शुरू हो गया था। जब इवोल्यूशन हो रहा था जिम्नोस्पर्म का, तो जिम्नोस्पर्म के हाईएस्ट कैटेगरी को हम लोग, तीन प्लांट उसमें था जिम्नोस्पर्म के हायर कैटेगरी में, वो प्लांट था इफेड्रा, वेलविशिया एंड नेटम। ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट था, पहली बार इसी प्लांट में वेसल्स दिखना शुरू हो गया था, मतलब वेसल्स एपियर हो गया था,
पहली बार किस प्लांट में? तो कहते हैं हायर जिम्नोस्पर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा था, दिख रहा था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल कॉमनली नहीं मिल रहा था। तो हम लोग क्या कहेंगे, दे आर नॉट कॉमनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म के बाद इवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्म का, अब ये एंजियोस्पर्म का मेन कंडक्टिंग टिश्यू हो गया। सारे के सारे एंजियोस्पर्म में अब हमको क्या दिखने लगा, वेसल्स अपीयर हो रहा था। तो ये कैसा था, तो हम लोग इसको डिस्कशन किए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था और इसके वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन था। नेचुरली तुमको पता चल गया लिग्निन का डिपोजिशन, हम लोग क्या बताए थे अभी अभी, लिग्निन डेड टिश्यूज में ही ज्यादातर देखा जा रहा है। लिग्निन के डिपोजिशन के चलते हम लोग ये कहेंगे, ये कंफर्म हो गए कि ये भी डेड टिश्यू है। तो हम लोग डिस्कशन किए थे कि ट्रैकिड के चार एलिमेंट में एक ही एलिमेंट लिविंग है, और वो कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम हम लोग कहेंगे जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी के तीन एलिमेंट कौन कौन, ट्रैकिड और कौन वेसल्स और कौन जाइलम फाइबर, ये तीनों ही डेड टिश्यू हैं। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है बच्चों, जाइलम पेरेन्काइमा आर ऑलवेज लिविंग इन नेचर। इसका मतलब आउट ऑफ फोर कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम, थ्री आर डेड टिश्यू एंड वन इज ओनली लिविंग टिश्यू। तो यहां पे हम लोग ये देखे वेसल्स को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वेसल्स के बारे में क्या क्या जाने, वेसल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म वेरी कॉमनली, ये एंजियोस्पर्म में सभी एंजियोस्पर्म में मिल रहा है, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के। फिर दूसरी बात हम लोग क्या बताए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड शब्द का मतलब क्या होगा, लिग्निन के डिपोजिशन को हम लोग कहेंगे लिग्निफाइड, लिग्निन केमिकल कंपाउंड का डिपोजिशन हो चुका है। और ये लिग्निन के डिपोजिशन के चलते कैसा होगा, ये डेड टिश्यू है। क्यों डेड होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा तो बोलेंगे डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डिवॉइड मतलब नहीं मिलेगा। जब किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा हम लोग टर्म यूज करेंगे डिवॉइड, और तब वो कैसा हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा। हम लोग कहते हैं एंड्स वॉल आर परफोरेटेड, ये जो एंड वॉल दिखा रहे थे ना, इसमें पोर्स होता है, परफोरेशन होता है, इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंड्स वॉल आर परफोरेटेड। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंड वॉल होता है ना वो भी डिसॉल्व कर जाता है। फाइनली क्या होगा, फाइनली एंड्स वॉल इसका डिसॉल्व कर गया है, ये डिसॉल्विंग स्टेट में दिखा रहे हैं, और ये कंप्लीटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब तुम ये सोचो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा वाटर कैरी करेगा, या जो डायग्राम ट्रैकिड का बनाए थे इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक फाइबर था, इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करके जरा बताओ किसमें ज्यादा पानी कैरी होगा। डायग्राम से ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि वेसल्स ट्रैकिड की तुलना में ज्यादा पानी को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो जब ये दोनों प्रेजेंट है तो थोड़ा अमाउंट में वाटर किससे कैरी होगा, बाय ट्रैकिड, और ज्यादा अमाउंट में किससे कैरी होगा, बाय वेसल्स। तो जब हम लोग इन चारों कंपोनेंट की बात करते हैं तो कहते हैं ट्रैकिड एंड वेसल्स आर मेन कंडक्टिंग टिश्यू। कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर सिर्फ दूसरे कामों के लिए वहां पे है। तो जब एक जाइलम के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि मेन कंडक्टिंग टिश्यू। लेकिन यहां पर देखो दो तीन क्वेश्चन मेडिकल में आ सकते हैं। पहला, अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म में तो ये दोनों मिल रहा है, वेसल्स भी मिल रहा है और ट्रैकिड भी मिल रहा है। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें और पूछे मेन कंडक्टिंग टिश्यू एंजियोस्पर्म में कौन सा है, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, डायग्राम देखो और इसको आंसर दो, नेचुरली ये वेसल्स ही मेन कंडक्टिंग टिश्यू होगा। जाइलम मेन कंडक्टिंग, जाइलम में वेसल्स मेन कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएगा, और ट्रैकिड भी कंडक्शन तो कर रहा है लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इसका कम होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर पानी किसके द्वारा कंडक्ट हो रहा है, वेसल्स के द्वारा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और कहते हैं मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो फिर तुम्हारा आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, जिम्नोस्पर्म्स में है ना क्या नहीं मिलता है, ट्रेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिलता है, दे आर नॉट प्रेजेंट
इन टेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। किसकी बात कर रहे हैं? वेसल्स की बात कर रहे हैं। वेसल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंजियोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, जो एंजियोस्पर्म में मेनली वाटर को कंडक्ट कर रहा है, ये टेडोफाइटा जिसका एग्जांपल फर्न होता है, जिम्नोस्पर्म जिसका कॉमन एग्जांपल साइकस होता है, पाइनस होता है, हम लोग अपने घर में एक्समस का प्लांट लगाते हैं, क्रिसमस प्लांट लगाते हैं, वो होता है, ऐसे सभी प्लांट में क्या नहीं मिलता है? ऐसे सभी प्लांट में वेसल्स नहीं मिलता है। इसका मतलब ऐसे सभी प्लांट में कंडक्शन की जिम्मेवारी किसको दी गई? ओनली टू द ट्रैकीड। तो हम लोग कहते हैं मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ट्रेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के मेन कंडक्टिंग टिश्यू में हम लोग नाम देंगे तो क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज ट्रैकीड। तो अगर क्वेश्चन आया मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ट्रेडोफाइटा तो तुम्हारा ऑप्शन हो गया ट्रैकीड्स, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ जिम्नोस्पर्म फिर भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा ट्रैकीड। अब क्वेश्चन आया मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट देन योर आंसर इज वेसल। देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ हम क्वेश्चंस के एंड्स को चेंज कर रहे हैं। अब देखो इससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गलती होगी और गलती ना हो इसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने कहा अब एक क्वेश्चन आया मेन कंडक्टिंग टिश्यू और मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट। अब बताओ बच्चों अब आंसर क्या दोगे तुम? मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट पूछा और ऑप्शन दिया हुआ था ए में ट्रैकीड, दूसरा में था वेसल्स, तीसरे में था फ्लोएम और चौथे में था बोथ ट्रैकीड एंड वेसल्स। तो आंसर क्या होगा? अब आंसर हो जाएगा बोथ ट्रैकीड एंड वेसल्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, प्लांट में यह डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि प्लांट टेडोफाइटा है या जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। तो हम क्या समझेंगे? सारे प्लांट के बारे में ये क्वेश्चन हो रहा है, तो अगर सारे प्लांट को देखें तो कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन सा होगा? जाइलम में ट्रैकीड भी होगा क्योंकि ट्रैकीड वाटर का कंडक्शन कर रहा है टेडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में, और वेसल्स कंडक्शन का काम कर रहा है एंजियोस्पर्म में। तो एक ही क्वेश्चन को देखो हम लोग अलग अलग तरह से फ्रेम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है हम लोग को रटने की बिल्कुल बात नहीं समझनी है, कि रटना नहीं है कि मेन कंडक्टिंग टिश्यू कहीं पे जाइलम में, ट्रैकीड याद कर लिए, वेसल याद करनी, बातों को समझना है कहां पे किस जगह पे क्या क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो जो ही हम लोग कह रहे थे मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट तो आंसर बिकम ट्रैकीड एंड वेसल्स, और जो ही क्वेश्चन किए मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट देन योर आंसर इज वेरी राइट वेसल्स, क्योंकि यहां पे कंडक्शन तो ट्रैकीड से भी हो रहा है लेकिन मोस्ट अमाउंट हम लोग कह सकते हैं लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बीइंग सप्लाइड थ्रू दी वेसल्स। लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो ये वेसल्स कर रहा है। तो ये हम लोग थर्ड पॉइंट समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं एंड वॉज परफोरेटेड था, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था, और ये कहां प्रेजेंट नहीं हुआ? ट्रेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिल रहा था फाइनली, लेकिन तीन जिम्नोस्पर्म के प्लांट में वेसल्स मिला। ये कोनिफरस ग्रुप का मेंबर है और इसके मेंबर्स का नाम तुमको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म में ये तीन ऐसा प्लांट है जो एंजियोस्पर्म के कई कैरेक्टर को कैरी करता है। इन प्लांट्स का नाम है ईफेड्रा, वेलविशिया एंड नेटम। तो मेरे साथ साथ फिर बोलो तुम लोग क्या क्या नाम है? ईफेड्रा, यस, दूसरा नाम क्या बताया हमने? वेलविशिया, और तीसरा क्या है? नेटम। इस तीनों नाम को 10-15 बार रिपीट करो, ईफेड्रा, वेलविशिया एंड नेटम। ये तीनों कैसे प्लांट हैं? ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं और दे कैरी सम कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट हैं जिनमें एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। इसका मतलब यहां पे जरा रुको और समझो, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही किसी तीन प्लांट से एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ होगा। इवोल्यूशन के सीक्वेंस में जिम्नोस्पर्म का ये एडवांस ग्रुप था और इसके बाद ही आया एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और जिम्नोस्पर्म के इन तीन प्लांटों को बिल्कुल तुमको तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ये नाम तुम्हारे टंग पे होना चाहिए। जो ही हम कहें द मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ईफेड्रा, वेलविशिया एंड नेटम। क्यों? बिकॉज दे आर कैरिंग सम कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म लाइक
प्रेजेंस ऑफ वेसल, इनमें वेसल्स प्रेजेंट है, जबकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होता है, एबसेंट होता है। इनमें और भी कई कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर की तरह है। फाइनली फिर हम लोग आते हैं, इसका मतलब वेसल्स कॉमनली कहां मिलेगा, तो हम लोग हमारा आंसर क्या होगा, वेसल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। फिर हम लोग कहेंगे ये कैसा स्ट्रक्चर था, तो कहेंगे दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखने में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। कैसे प्लेस था, एंड टू एंड प्लेस था। एंड देन पार्टीशन वॉल डिसॉल्व, जब ये प्लेस हो गया तो ये पार्टीशन वॉल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ब्रेक कर गया और फाइनली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। एंड ए लॉन्ग ट्यूब इज प्रेजेंट, वेसल्स आर एब्सेंट इन। अब हम लोग कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एंजियोस्पर्म के प्लांट में ड्रेसेना, यूका एंड डेगेनेरिया, ये तीन इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये क्वेश्चंस भी एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस भी मेडिकल में पहले आया करते थे, तो इन तीनों को तुमको याद रखना, डेविएशन ऑफ क्वेश्चन के लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो ट्रेंड हम लोग देखते हैं ना, आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, जो 90 क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में रहता है बायो में, उनमें से तुम देखना 75 क्वेश्चन टू 80 क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो एनसीईआरटी या उसके आसपास के क्वेश्चंस में रहता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो तुमको लगता है कि अरे ये तो सिलेबस के बाहर का था, ये डेविएशन ऑफ क्वेश्चन है, इन्हीं सब क्वेश्चन को टारगेट हम लोग कर रहे हैं। जो डेविएशन ऑफ क्वेश्चन लग रहा है ना, उनको टारगेट करने के लिए ये बातें हम बता रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पे जब हम लोग बातों को अपने सिलेबस से ज्यादा बता रहे होते हैं, तो कितना ज्यादा बताना है, दिस इज एन आर्ट। हमको ये पता है कि कितना ज्यादा बताना है, ऐसा भी नहीं बताना है कि बच्चों बहुत भारी लगे तुमको कि इतना सारा पढ़ना, नहीं, पढ़ना बहुत लिमिटेशन में है। और जितनी बातें बता रहे हैं, जो एक्सेप्शन बता रहे हैं, वो वही क्वेश्चन है जहां पे डेविएट होने की संभावना है। और अगर डेविएशन में से दो चार क्वेश्चन भी ज्यादा बन गए तो नेचुरली तुम टॉप 100 में रहोगे। तो रैंक लाना इंपॉर्टेंट है, और रैंक लाने के लिए जो जनरल हमारी पढ़ाई है उसके अलावे कुछ एक्सेप्शनल चीजों को याद रखना है, और वो बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन कैसे लिमिटेड है ये बातें हम लोग बताएंगे तुमको। तो वेसल्स कैसा हो गया, नॉर्मली वेसल्स एंजियोस्पर्म में मिल रहा था, लेकिन ड्रेसेना, यूका और डेगेनेरिया, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हुए भी इसमें क्या नहीं मिला, इसमें वेसल्स नहीं मिल रहा है। तो अब तक हम लोग जाइलम के कितने कंपोनेंट को डिस्कस किए, हम लोग जाइलम के दो कंपोनेंट को डिस्कस किए, कौन कौन, पहला था ट्रैकिड और दूसरा हम लोग डिस्कस किए वेसल्स। अब हम लोग जाइलम के तीसरे और चौथे कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पूरी तरह से जान रहे हैं, और वो तीसरा और चौथा कंपोनेंट कौन सा है, हमने कहा जाइलम पेरेन्काइमा, है ना, और क्या था तीसरा, हम लोग लिखते हैं ये था जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा क्या होगा, जाइलम फाइबर, और चौथा हो जाएगा जाइलम फाइबर। तो अब हम लोग ये कहना शुरू कर रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट, तीसरा और चौथा जो कंपोनेंट है जिसका नाम है पेरेन्काइमा और फाइबर, उसके पहले वाले शब्द को देखो, पहले वाले शब्द में क्या है, जाइलम वर्ड लिखा हुआ है, पहले वाले शब्द में क्या है, तो पेरेन्काइमा जो हम लोग पढ़े थे वही पेरेन्काइमा जब जाइलम के बॉडी से अटैच्ड हो, जाइलम का बॉडी का पार्ट हो, तब हम लोग कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। मीनिंग बाय, अगर हम लोग एक स्टेटमेंट कहें कि पेरेन्काइमा एसोसिएटेड विद जाइलम, पेरेन्काइमा जो जाइलम से जुड़ा हुआ है इज टर्म्ड एज, क्या कहेंगे, जाइलम पेरेन्काइमा। नेचुरली सारे कैरेक्टर को हम लोग जान रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टर जान रहे थे, पेरेन्काइमा आर आइसोडायमेट्रिकल, दे आर लिविंग सेल, जो जो कैरेक्टर हम लोग डिस्कस किए थे फिर से रिकॉल करो, क्या क्या डिस्कस किए थे, पेरेन्काइमा आर लिविंग सेल, दे आर ओवल और स्फेरिकल और पॉलीगोनल, लेकिन जैसा भी होगा सब एक सा होगा, ऑल आर अलाइक, और फिर कहे थे दे आर आइसोडायमेट्रिकल, मतलब ऐसे ही पेरेन्काइमेटस टिश्यू को जो हम लोग डिस्कस किए थे वो जाइलम से जुड़ा रहता है, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। और नेचुरली पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, मतलब जाइलम की पूरी एक्टिविटी को कोई ना कोई लिविंग सेल्स कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि बाकी के तीन कॉम्पोनेंट, ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तो डेड टिश्यू है।
इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई लिविंग सेल की जरूरत थी, और वो लिविंग सेल कौन हो गया? वो लिविंग सेल है जाइलम पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा को हम लोग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पेरेन्काइमा हम लोग पढ़े थे अब हम लोग उसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइलम से एसोसिएटेड पेरेन्काइमा को जाइलम पेरेन्काइमा का नाम दिया गया। और उन्हीं बातों को फिर से रिपीट करेंगे, दे आर स्मॉल, दे आर राउंडेड, दे आर पॉलीगोनल, बट दे आर आइसोडायमेट्रिकल, दे आर लिविंग सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज वॉल। फिर हम लोग आएंगे चौथे कॉम्पोनेंट में और कहेंगे जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की बात ज्यों ही हम लोग करेंगे फिर हम लोग उन्हीं बातों को रिपीट करेंगे। हम लोग जिस समय स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू पढ़ रहे थे उसी समय हमने कहा था स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू ये दो तरह का है, एक फाइबर के शेप में और दूसरा स्टोन सेल के शेप में। जो फाइबर के शेप में था उसका दोनों एंड पॉइंटेड था, क्या था? दोनों एंड पॉइंटेड था। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया बोथ एंड्स आर पॉइंटेड। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग क्या आ गए थे, फाइबर्स आर डेड टिश्यू एंड मेंट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, और बॉडी में क्या था, लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका था। तो उन सारी बातों को फिर से रिपीट नहीं करके हम लोग एक लाइन का स्टेटमेंट कहते हैं कि फाइबर एसोसिएटेड विथ जाइलम इज कॉल्ड एज जाइलम फाइबर। और जाइलम का एक नया नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, जाइलम इज कॉल्ड एज वुड एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज बास्ट। तो हम लोग यहाँ पे जाइलम की जगह पे वुड भी कह सकते हैं, वुड फाइबर और वुड पेरेन्काइमा। तो ये हम लोग जाइलम के चारों कॉम्पोनेंट को समझ गए। तो ये टॉपिक हम लोग का वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हम लोग हमारा खत्म हुआ जाइलम। तो क्या क्या हम लोग पढ़े फिर से इसको रिकॉल करो। हमने पढ़ा वाटर एंड फूड को कंडक्ट करने के लिए देयर आर टू, और ये कौन सा दो टिश्यू था, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। जाइलम और फ्लोएम कैसा टिश्यू था, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू था, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा फ्लोएम। फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम कैसा टिश्यू है, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। अब हम पूछते हैं फूड कहाँ से कहाँ कैरी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होता है, फूड को ये कैरी करेगा फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा फ्लोएम। के चार कॉम्पोनेंट्स में जो तीसरा और चौथा कॉम्पोनेंट था, हमने कहा कि पेरेन्काइमा और फाइबर, और हमने कहा कि पेरेन्काइमा एसोसिएटेड विद जाइलम इज कॉल्ड एज जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें कोई भी नई बात हमने नहीं सीखी। और ठीक उसी तरह से हमने कहा कि फाइबर एसोसिएटेड विद जाइलम इज कॉल्ड एज जाइलम फाइबर, इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। फिर भी इन चीजों को एक बार फिर सीक्वेंस में देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग आते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम के को एक और नाम दिया गया, और वो नाम हम लोग कौन सा दिए, जाइलम को एक और नाम दिया गया, जाइलम इज कॉल्ड एज वुड। इसीलिए इस पेरेन्काइमा को अब हम लोग एक और नाम देते हैं वुड पेरेन्काइमा, और इस फाइबर को कहते हैं वुड फाइबर। तो ये हम लोग दो टर्म यूज कर रहे हैं, वुड फाइबर्स है ना, और पेरेन्काइमा के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं वुड पेरेन्काइमा। तो ये हम लोग दोनों टर्म यूज करना शुरू किए। ये एग्जाम में कई बार वुड टर्म से आया है, और तब कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये पॉइंट डिस्कशन करना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले फाइबर का नेचर हमको मालूम है, फाइबर्स आर स्क्लेरेन्काइमेटस, मतलब ये स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। कहीं भी जो फाइबर हम लोग अभी देखे थे उसमें क्या देखे थे, ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू था, मतलब स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू को दो फॉर्म में डिवाइड किए थे, एक फाइबर के फॉर्म में और दूसरा स्टोन सेल के फॉर्म में। फाइबर देखने में कैसा था, ये लॉन्ग होगा, नैरो होगा, और टैपरिंग एट बोथ द एंड्स, दोनों किनारे पे टैपर था, दोनों किनारे पे नुकीला था। ये फाइबर की मॉर्फोलॉजी है, ये फाइबर का स्ट्रक्चर है। थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, अब हम लोग इसके अंदर का कनेक्शन देखते हैं, तो क्या देखते हैं, इसके वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, और इतना ज्यादा कि कभी कभी ल्यूमेन अंदर की जो कैविटी थी ना वो पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हो गई है। तो ल्यूमेन इज ऑब्लिटरेटेड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ हाई लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। तो फाइबर्स हैव ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ये जो सेंट्रल ल्यूमेन था
अंदर की जो कैविटी थी ना, ये पूरी तरह से क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्लिटरेटेड हो गया। फाइबर्स मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड, दोनों तरह का हो सकता है। अगर फाइबर के बीच में पार्टीशन वॉल दिखा दें तो कहेंगे ये सेप्टेड फाइबर है। और एक डायग्राम हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये फाइबर्स के बीच में कोई सेप्टा नहीं दिखा रहे हैं, कोई पार्टीशन वॉल नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब है ये सेप्टा के पहले ए लगा दिए। आ का मतलब क्या होता है, ये लिटरली व्हेन यू टॉक ऑफ अ इसी चीज के पहले इसका नेगेटिव मीनिंग होता है, मतलब ये नहीं है। तो व्हेन सेप्टा इज नॉट प्रेजेंट द टर्म इज असेप्टेड, है ना, तो हम लोग टर्म यूज किए असेप्टेड। तो इफ ए पार्टीशन वॉल इज देयर तो टर्म क्या यूज किए, सेप्टेड, और जब पार्टीशन वॉल नहीं है तो टर्म क्या यूज कर दिए, एसेप्टेड। फाइनली दे आर मैकेनिकल इन फंक्शन, इसका काम क्या है, मैकेनिकल का मतलब होता है सपोर्ट करना, मैकेनिकल का क्या मतलब होता है ये। अब देखो जाइलम है, जाइलम में कंडक्टिंग टिश्यू है ट्रैकिड, दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है वेसल्स, तीसरा इनको भी सपोर्ट की जरूरत है, ट्रैकिड और वेसल्स को किसकी सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए सपोर्ट के लिए एक और टिश्यू, ये देखो तीसरा फाइबर के रूप में इसके साथ अटैच्ड है, अब इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो फाइबर का काम क्या होगा, जाइलम के सारे कंपोनेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो दे आर मैकेनिकल हम लोग कहेंगे, और फंक्शन क्या हो गया, टू प्रोवाइड सपोर्ट। फिर हम लोग देखते हैं, तो ये जाइलम के फाइबर को देखे, और हम लोग अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट में, और वो क्या था, पेरेन्काइमा। जैसे ही हम लोग पेरेन्काइमा की बात करें, सबसे पहले ये तुमको याद हो गया है, पेरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स। कैसा सेल्स है ये, लिविंग सेल्स है, लेकिन वॉल हमेशा हम लोग देखे थे ये थिन वॉल्ड है। तो पेरेन्काइमा की जो प्रॉपर्टी थी उन्हीं प्रॉपर्टी को फिर से डिस्कस कर रहे हैं, दे आर लिविंग विथ थिन वॉल्ड। और वॉल किसका बना हुआ था, नेचुरली ये भी हमको कैरेक्टर याद है, किसका बना हुआ था, ये सेलुलोज का बना हुआ था। अब ये लिविंग है तो नेचुरली अंदर में साइटोप्लाज्म का कंटेंट कैसा होगा, प्रोमिनेंट होगा, डेंस होगा। तो क्या कहेंगे, दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म विथ ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मिलेगा और डेंस साइटोप्लाज्म भी मिल रहा है। और मेन काम हम लोग क्या जानते थे पेरेन्काइमा का, पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन हम लोग जानते हैं, टू स्टोर फूड मटेरियल, है ना, तो ये स्टोर करेगा किसको, फूड मटेरियल को, और रिजर्व करके ये फूड को रख रहा है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, एग्जाम्पल रे पेरेन्काइमा। अब इन बातों को समझो, रेडियल कंडक्शन क्या होता है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब हम लोग रेडियल कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये देखो एक लीफ है और ये मिडरिब है, है ना, और इससे वेंस आया, जब पानी पहुंचा है किसके थ्रू, इस वेंस के थ्रू यहां पानी पहुंचा। अब पानी को यहां से यहां भी पहुंचना है, यहां से यहां भी पहुंचना है, तो ये जो पत्ते में रेडियल डायरेक्शंस होगा पानी को पहुंचाने का, तो जब लीफ के एनाटॉमी को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां पे एक टर्म यूज करेंगे, रे पेरेन्काइमा। तो ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प कर रहा है। तो पत्तों में, पत्तियों के केस में जब हम लोग देखेंगे तो रे पेरेन्काइमा का काम क्या हो जाएगा, ये लैटरल किनारे किनारे तक पहुंचाना पानी को इसका काम होगा। तो ये रे पेरेन्काइमा की प्रॉपर्टी होगी। तो अब हम लोग इस पूरे कंपोनेंट को फिनिश किए, और वो टॉपिक था तुम्हारा जाइलम। तो जाइलम में चार कंपोनेंट को डिस्कस किए, ट्रैकिड को डिस्कस किए, वेसल्स को डिस्कस किए, जाइलम पेरेन्काइमा को डिस्कस किए, और जाइलम फाइबर को डिस्कस किए। ये चारों कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास किस कंपोनेंट की बारी आ गई, अब जो कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा फ्लोएम। और फ्लोएम का काम हमको पता है, फ्लोएम फूड को कैरी करेगा, और यहां पे फिर कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फ्लोएम, ये जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्लोएम, अभी हम लोग एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो है सिंपल, है ना, परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्प्लेन्काइमा, और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे आ गए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम था जाइलम, जिसका काम था वाटर कंडक्शन। अब हम लोग दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे आ रहे हैं जिसका नाम है फ्लोएम। तो अब हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फ्लोएम के बारे में, जिसका मेन काम होगा कंडक्शन ऑफ फूड। तो फ्लोएम का काम क्या हो गया, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लोएम।